जामवाल की नई मूवी आज थिएटर पर आ चुकी है। मॉर्निंग के शोज इस मूवी के कुछ खास अच्छे नहीं थे, ऑडियंस नहीं थी, बट आई विश जो उसके बाद के इवनिंग शोज हैं वो कुछ बेटर गए हों इस मूवी के। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये मूवी कैसी है, क्या ये मूवी वाकई में ऑडियंस डिजर्व करती है या नहीं। जानना चाहते हो तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी जरूर करना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वेल, विद्युत जामवाल की जो नई मूवी है वो आज थिएटर्स पर आ गई है, और उस मूवी का नाम है क्रैक, जो जीतेगा वही जिएगा। ये मूवी एक एक्शन स्पोर्ट्स मूवी है, और इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटा 28 मिनट है। इस मूवी को डायरेक्ट करा है आदित्य दत्त ने। आदित्य दत्त एक इंडियन फिल्म मेकर हैं जिन्होंने आशिक बनाया अपने और कमांडो 3 जैसी मूवीज को डायरेक्ट करा है। तो चलिए अब जानते हैं आदित्य दत्त की ये नई मूवी क्रैक कैसी है। जो इस मूवी की स्टोरी है वो बेस्ड है भाई की डेथ के बदले के ऊपर। मैं आपको इस मूवी की स्टोरी थोड़ी डिटेल में बता देती हूँ। इस मूवी में आप देखेंगे एक कैरेक्टर को सिद्धू को, जो एक मुंबई स्लम बॉय होता है। उसको किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन में जाना है जिसके लिए उसके पेरेंट्स उसको मना कर देते हैं। जो ये स्पोर्ट्स कंपटीशन है ये एक इलीगल स्पोर्ट्स कंपटीशन है जिसका नाम है मैदान। उसके पेरेंट्स उसको मना इसलिए करते हैं क्योंकि उन लोगों ने अपने बड़े बेटे को, मतलब विद्युत के बड़े भाई को, इसी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में खो दिया था। फिर भी जैसे तैसे करके विद्युत इस स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में चले जाते हैं। वहाँ जाकर उनको ये पता चलता है कि उनकी भाई की जो डेथ थी वो कोई स्पोर्ट्स एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक साजिश थी। अब विद्युत यानी सिद्धू अपने भाई की मौत का बदला कैसे लेते हैं और इस मूवी में आगे क्या होता है वो जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अगर स्टोरी वाइज देखें तो मुझे ये मूवी स्टोरी वाइज ठीक लगी। आगे चलते हैं और मूवी को थोड़ा सा टेक्निकली हम देखते हैं। इस मूवी में आपको स्टंट्स और एक्शन सीन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जितने भी स्टंट्स और एक्शन सीन्स हैं वो काफ़ी अच्छे और ब्रेथ टेकिंग हैं। विद्युत वाले जितने भी स्टंट सीन्स हैं वो किसी बॉडी डबल ने नहीं करे बल्कि विद्युत ने खुद ही करे हैं, और देखने में वो काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं। इस मूवी में कुछ इंटरनेशनल एथलीट्स को हायर किया गया था, और विद्युत के साथ जितने भी आप लोगों को स्टंट्स करते देखोगे वो जाने माने स्टंट्स मैन हैं। इस मूवी के एक्शन सीन्स के लिए इंटरनेशनल एक्शन कोरियोग्राफर्स को भी हायर किया गया था जिन्होंने इस मूवी के एक्शन सीन्स को कोरियोग्राफ करा है, और इस मूवी के जितने भी एक्शन सीन्स हैं वो काफ़ी अच्छे और काफ़ी यूनिक हैं, ऐसे आपने और मूवीज़ में रेयरली देखे होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इस मूवी में एक्शन और स्टंट्स पे काफ़ी अच्छे तरीके से फोकस किया गया है। इस मूवी में विद्युत ने कुछ डेंजरस स्टंट्स भी करे जो देखने में काफ़ी अच्छे हैं, और जिन्हें देख के ये भी लगता है कि विद्युत ने अपनी एक्टिंग का लेवल अपनी प्रीवियस मूवी से थोड़ा सा अपग्रेड कर लिया है। इस मूवी में कुछ कार चेजिंग सीन्स हैं, कुछ ट्रेन सीन्स हैं जो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और साथ ही में इस मूवी में जो विद्युत हैं उनको एक मुंबई का टपोरी बॉय बनाया गया है। उनका जो बोलने का एसेंट है वो टपोरी वाला है, जिसको उन्होंने सो ही प्ले करा है, मतलब उसको वो उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए जितने अच्छे से उन्होंने अपने स्टंट्स को परफॉर्म करा है। और वैसे भी विद्युत अपने स्टंट्स और एक्शन के लिए ही जाने जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें विद्युत के अपोजिट जो फीमेल एक्ट्रेस थी नोरा फतेही, तो मुझे इस मूवी में नोरा फतेही समझ में नहीं आई कि वो क्यों थी। ना तो उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी, ना ही उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी अच्छी थी। हाँ, उनके डांस फॉर्म्स अच्छे थे, लेकिन बाकी जो चीज़ें थी वो नोरा फतेही ने अच्छे से परफॉर्म नहीं करी। आदित्य दत्त ने नोरा फतेही को क्यों कास्ट करा नहीं पता, मे बी मूवी में ग्लैमर डालने के लिए उन्होंने इनको कास्ट किया हो। साथ ही में इस मूवी में जो दूसरी फीमेल एक्ट्रेस थी वो थी एमी जैक्सन। एमी जैक्सन का होना भी मुझे समझ में नहीं आया, उनकी एक्टिंग भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उनकी डायलॉग डिलीवरी भी ऐसी लग रहा था जैसे फोर्सफुल डायलॉग डिलीवरी हो। हाँ, उनके एक्शन सीन्स उनकी एक्टिंग से थोड़े बेटर थे, बट वो भी अप टू द मार्क नहीं थे। अब अगर हम बात करें अर्जुन रामपाल की, तो अर्जुन रामपाल ने पूरा पूरा टक्कर दी है विद्युत को। अर्जुन रामपाल का जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो काफ़ी अच्छा रहा इस मूवी में। कुछ स्टंट सीन हैं अर्जुन रामपाल के जो उन्होंने खुद ही परफॉर्म करे हैं। विद्युत के अगेंस्ट अगर कोई और एक्टर होता रामपाल की जगह तो शायद वो कैरेक्टर इतना अच्छे से नहीं कर पाते। अर्जुन रामपाल और विद्युत की एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट है जो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। दोनों ही मेल एक्टर्स ने अपनी परफॉर्मेंस को काफ़ी इंटेंसिटी के साथ परफॉर्म किया है, जिसके सामने दोनों ही फीमेल एक्टर्स कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाती हैं। अगर हम ओवरऑल कास्टिंग की बात करें तो मुझे इस मूवी की कास्टिंग सो लगी, थोड़ी इंप्रूव हो सकती थी अगर इन फीमेल एक्ट्रेस को रिप्लेस कर दिया होता तो। आगे बढ़ते हैं मूवी के स्क्रीन प्ले की बात करते हैं, तो मुझे इस मूवी का स्क्रीन प्ले कुछ खास अच्छा नहीं लगा, थोड़ा लो ही लगा। मूवी में इतने अच्छे मेल एक्टर थे, मूवी की स्टोरी कॉन्सेप्ट भी इतना अच्छा था, तो उन चीज़ों को अच्छे तरीके से यूज़ करके मूवी को तरीके से फिल्माया जा सकता था, और जिसकी वजह से जो मूवी का प्रेजेंटेशन है वो भी कहीं ना कहीं मार खाता है। लेकिन हाँ, जो मूवी की सिनेमाटोग्राफी है वो काफ़ी अच्छी है। जो मूवी के स्टंट्स और एक्शन सीन्स हैं उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से शूट किया गया है। मूवी का जो म्यूजिक है वो भी काफ़ी अच्छा है। 2 पुराने सुपरहिट सॉन्ग्स को रिमेक करके इस मूवी में डाला गया है जो सुनने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अगर ओवरऑल मूवी डायरेक्शन की बात करें तो मुझे इस मूवी का डायरेक्शन एवरेज लगा। कहीं पर तो ज़्यादा हाई लगा तो कहीं पर मुझे थोड़ा लो भी लगा।
अगर इस मूवी की स्कोरिंग की बात करें तो मैं इस मूवी को स्कोर करूंगी 3 out of 5। मूवी अच्छी है लेकिन जो स्कोर माइनस हुए हैं वो हुए हैं, एक तो इस मूवी में जो फीमेल एक्ट्रेसेस डाली गई उनकी वजह से, उनकी एक्टिंग की वजह से, और दूसरा जो स्कोर माइनस हुए वो हुए इस मूवी की प्रेजेंटेशन की वजह से। मूवी का कॉन्सेप्ट और मूवी के मेल एक्टर्स काफी अच्छे थे, इन लोगों को अच्छे तरीके से यूज करके मूवी को तरीके से बहुत ढंग से प्रेजेंट किया जा सकता था। बाकी ये मूवी अच्छी है, इस मूवी में भाइयों के प्यार को दिखाया गया है और उस बॉन्ड को थ्रू आउट मूवी मेंटेन भी किया गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये मूवी थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती है। इस मूवी का क्लाइमेक्स काफी अच्छा है, लेकिन हाँ इस मूवी के जो डायलॉग्स हैं वो उतने अच्छे नहीं है। मतलब एक बात होती है ना कि एक डायलॉग है जो आपको एकदम से हिट कर जाता है कि अरे यार ये डायलॉग बड़ा अच्छा है, ऐसा तो कोई इस मूवी में डायलॉग नहीं है। इस मूवी की स्टोरी, मतलब जो भाइयों का प्यार है और साथ में जो इस मूवी के स्टंट्स हैं, उन्होंने इस मूवी को संभाला है। बाकी जिन लोगों को एक्शन सिक्वेंसेस देखना पसंद है उनको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये मूवी वन टाइम वॉच है। अगर आप लोग थिएटर पर जाकर इस मूवी को देखते हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देख पाते तो रिग्रेट मत रखना, क्योंकि ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट आप मिस नहीं करोगे। आज नहीं देखोगे थिएटर पे कोई बात नहीं, 2-4 दिन बाद ही जाके मूवी OTT पर आ ही जानी है। लास्ट में अगर मैं आपको बताऊँ इस मूवी के पेरेंटल गाइडेंस के बारे में, तो इस मूवी में कोई भी वल्गैरिटी न्यूडिटी नहीं है। हाँ थोड़ी सी अब्यूसिव लैंग्वेज है लेकिन उससे ज़्यादा इस मूवी में कुछ नहीं है। बाकी मूवी एवरेज है, वन टाइम वॉच है, अगर देखी तो ठीक, नहीं देखी तो वो भी ठीक। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और फिल्मी जगत से जुड़ी ऐसी खट्टी मीठी बातें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।